और बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम फूड ग्रेन सुपरवाइज़र जो कि फूड डिपार्टमेंट का पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है इसके टू पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमने तकरीबन 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब ये 20 से आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। तो 21 है कि आयशा मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, आयशा मलिक को फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट किया गया। इसका ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो भी दुरुस्त है कि आपको फर्स्ट फीमेल जज, और ये बनी थी 24 जनवरी 2022, यानी 24 जनवरी 2022 को आप फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी थी। इसके अलावा सवाल आते रहते हैं जिसमें कि फर्स्ट फीमेल हिंदू जज कौन है, तो साइमन बदौनी है। साइमन बदौनी फर्स्ट फीमेल हिंदू सिविल जज, अगर सवाल आ जाए तो आपने याद रखना है साइमन बदौनी। अगर आ जाता है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो माजिदा रिजवी, याद रखना है फर्स्ट हाई कोर्ट की अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन तो माजिदा रिजवी, अगर हिंदू वुमेन सिविल जज साइमन बदौनी, अगर फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट पूछे तो आयशा मलिक, अगर फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जस्ट पूछते हैं तो सैयदा ताहिरा है। अगर वो आजकल सवाल ये भी पूछा जाता है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जो जज है वो आपने याद रखना है शरद हिलाली हैं, जो कि 5 जुलाई को बनी थी, याद रखना है। और नंबर ऑफ जजेस जो है 16 है, और 65 ईयर्स एज होती है रिटायरमेंट एज, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की पूछी जाए तो 65 ईयर्स एज होती है, 65 ईयर एज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है कि इराक इन्वाइटेड कुवैत, इराक ने कुवैत पे अटैक कब किया था, तो आपने याद रखना है कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे अटैक किया था। मशहूर सवाल आता है कि अफगानिस्तान पर रशिया ने या यूएसएसआर ने कब अटैक किया था, तो वो याद रखना दिसंबर का महीना था, ठीक है, दिसंबर का महीना था 1979 को रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, ठीक है, फिर 1989 में रशिया वापस चला गया था। इस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक कब किया था, तो 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, और रिसेंटली 30 अगस्त 2022 है उसको वो जो है अमेरिका की फौज चली गई थी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने याद रखना है 23 क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज, तो पेपर साइज में से कौन सा नहीं है, तो लैंडस्केप पेपर साइज नहीं है, जबकि लीगल एग्जेक्टिव A3 A4 ये सारे क्या होते हैं पेपर साइज होते हैं, जबकि लैंडस्केप हमारे पास पेज ओरिएंटेशन होती है, आपने याद रखना है पेज ओरिएंटेशन कौन सी होती है, लैंडस्केप होती है, ठीक है, और पेज ओरिएंटेशन आपने याद रखनी दो होती है, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है, ये दो याद रखनी है, ये इनको हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। लैंडस्केप अगर वो पूछता है कि वर्ल्ड जो पावर पॉइंट है उसमें लैंडस्केप होती है, जबकि जो दूसरे होते हैं जिसमें वाइड होता है उसमें पोर्ट्रेट पेपर होता है जी, पेज ओरिएंटेशन जो होती है वो पोर्ट्रेट होती है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर ऑपरेटर कौन होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर आपने याद रखना है वो होता है जो डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेट करता है, ना कि जो राइट कंप्यूटर प्रोग्राम उसको प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि अली बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 60,000 एंड सोल्ड इट फॉर 66,000 इस परसेंटेज प्रॉफिट, तो आपने याद रखना है कि सेल में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे तो वो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट को आप कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज में, तो आपने याद रखना है जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे सेल प्राइस रखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसका 10% आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 26 क्वेश्चन, इफ वन अमेरिकन डॉलर इज 280 रुपीज, देन 56,000 इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे कि अगर एक अमेरिकन डॉलर 280 रुपये का है तो 56,000 जो रुपए होंगे उससे कितने डॉलर आ सकते हैं, तो आप डिवाइड कर दोगे एक तो आपके पास आ जाएंगे, इसका सी ऑप्शन ठीक बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमजा हैज 2,000, हमजा के पास 2,000 रुपये है, ही बॉट अ स्टेशनरी, उसने स्टेशनरी खरीदी है, विच इज 40% ऑफ 2,000, जो कि 2,000 का 40%, हाउ मच रुपी ही लेफ्ट, उसके पास कितने, तो आप 40% ऑफ 2,000 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल अमाउंट, तो 280 है, तो 2,000 में से 280 निकालेंगे तो 1,720 रुपये आप उसके पास बच जाएंगे, तो यानी 1,720 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास है कि 75,000 की प्रिंसिपल रकम पर 9% सालाना की शरह से 3 साल का मार्कअप है, तो PTR फार्मूला लगाएंगे आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है कि दो मकदारों में एक मकदार बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो दूसरी कम हो, तो उसको हम तनासब रास कहते हैं, अगर एक बढ़े दूसरी कम हो, ठीक है, एक कम हो दूसरी बढ़े, उसको हम तनासब माकूस कहते हैं, इसके लिए इसका बी ऑप्शन ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे पास है, ये ग्रेटर देन समालर देन इक्वल ग्रेटर देन समालर
ग्रेटर देन, अगर ये अलामत किसी में पाई जाए तो वो गैर मुसावात होती है, मुसावात में इक्वल का साइन होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है 31 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीग्रल्स इज 90, फाइंड द कंसेक्टिव नंबर होते हैं जो रेगुलर चल रहे होते हैं, यानी अगर 7 है तो उसके बाद 8 आएगा, अगर 8 है तो उसके बाद 9 आएगा, अगर 9 है तो उसके बाद 10 आ जाएगा। ये कहता है कि दो कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें कि -9 और +9, जब हम माइनस बन जाता है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा, जबकि हमारे पास 90 प्लस का है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक बनेगा, जिसमें माइनस माइनस आपने याद रखना है कि जब माइनस और माइनस दो रकमें हैं, दोनों में माइनस है, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ठीक बनेगा। बाकी इसमें वैसे 90 बनता ही नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 32 क्वेश्चन, दी गई मुसावात के रूट्स कहाँ से लेते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या है कि ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू -9। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है कि सी बटा ए होता है इज इक्वल टू सी बटा ए। अब सी हमारे पास -9 है जबकि ए हमारे पास 3 है, जब 3 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन इस तरह ठीक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मुसलस के दो लाख की लंबाई का मजमू तीसरे जिला की लंबाई से बड़ा होता है, याद रखना है कि दो लंबाई को जमा करेंगे तो उनका मजमू जो होगा वो तीसरे जिला से बड़ा होना चाहिए, तभी आप मुसलस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 34 क्वेश्चन है, 34 है कि एक शुआ कितने सिरों पर मुश्तमिल होते हैं, तो एक शुआ का एक ही सिरा होता है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, जबकि लाइन के दो सिरे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है कि मुसलस की दी गई लंबाई में से किससे मुसलस बन सकती है, तो आपने याद रखना है कि दो जो आपके पास ला होंगे उनका तीसरा बड़ा होगा, तो इसमें देखें, इसमें पहले ऑप्शन को देखें ना, दो और तीन पाँच बनते हैं और तीसरा 8 है, तो तीसरा क्या होना चाहिए, उससे पहले दो को मजमुआ बड़ा होना चाहिए, तो पहले में नहीं आ सकता। फिर अगर एक और दो को जमा करें 3 बनता है, 4 उससे बड़ा है, फिर 4 और 5 को 9 है और उसमें 11 है। इसमें देखें अगर बेफर स्कूल मान लेते हैं 3 और 4 है तो ये 7 बड़ा है, तीसरे से बड़ा है, तो उसने यही बात पहले बताई है दो के दो अजला की लंबाइयों को मजमुआ तीसरे जिला की लंबाई से, आपने पहले दो तरतीब से देखना है, तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 36 क्वेश्चन, इसमें कहता है कि 120 तलबा की क्लास में 50 लड़के और बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की तमाम तलबा से, याद रखना है सवाल को ओवर करना है कि लड़कियों की तमाम तलबा, तमाम तलबा कितने हैं 120 है, ठीक है, और बाकी लड़कियां लड़कियों की, तो लड़कियां कितने हैं, आप 120 में से आपने याद रखना है 120 है, 120 में से आप लड़के निकाल लेंगे तो आपके पास लड़कियां बच जाएंगी, तो ये बनती हैं 70। अब वो कहता है कि लड़कियों की नस्बत तमाम तलबा से, तो एक तरफ 70 रखेंगे दूसरी तरफ 120 रखेंगे, तो इसको मुख्तसर करेंगे तो आपके पास 7 और 12 सी ऑप्शन आपके पास ठीक बनेगा, तो ये याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक बनता है, तो सी ऑप्शन आपके पास ठीक बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ज्योमेट्री की जबान का लफ्ज़ है, ज्योमेट्री आपने याद रखना है ग्रीक जबान का लफ्ज़ है, जबकि कंप्यूटर अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो आपने याद रखना है कंप्यूटर किसका है, वो लैटिन का है, लैटिन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जुमले में कोसाइन के दुरुस्त इस्तेमाल, कोसाइन हम जिस चीज़ के बारे में बात करें उसके आगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो असलम कौन, असलम मेरा हमसाया, तो पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें ये कहता है गुज़िश्ता साल चावल की फसल कम हुई, इसे हम नगर के द्वार से साल है, जब आप टाइम का जिक्र करते हैं तो इसे हम ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं, जब किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो वो ज़र्फ़े मकान होता है, इसम सौत होता है किसी आवाज़ का नाम, जैसे बकरे की आवाज़ को म्यों म्यों, उसे इसम सौत, बकरी की आवाज़ बिल्ली की आवाज़ होती है म्यों म्यों, जबकि बकरी की मैं होती है तो उसको इसम सौत कहते हैं। इसे माला होता है जिसे आप कोई काम करते हैं, जैसे कैंची हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दुरुस्त मुहावरा है, दुरुस्त मुहावरे की निशानदेही करनी है, तो दुरुस्त मुहावरा है कि चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पिछले हफ्ते चिनोट में शादी की तकरीब में शिरकत की, वहाँ इंतजाम अच्छे ना थे, बिजली बंद होने की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया, लोग लुत्फानंदोज भी नहीं हुए, मस्कूरा गुफ्तगु निशानदेही करती है, इसमें वो तनकीद करता है, तो ये बी ऑप्शन आपका ठीक बनेगा। फिर है कि बीच बलोची पोएट वाज फ्रेंड ऑफ फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़ के बलोची पोएट जो शायर थे उसका नाम था मीर गुल खान नासिर, बी ऑप्शन ठीक है। एक सवाल आता है कि फैज़ अहमद फैज़ के पंजाबी दोस्त कौन थे, तो आप याद रखना मुनीर नियाज़ी, और इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ के बारे में याद रखना है कि इसको लिनन प्राइज़ मिला था 1962 में। इसके अलावा आपको अगर सवाल आता है कि रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस, जब लियाकत अली खान की डेथ हुई थी 16 अक्टूबर 1951 को, तो उसको हम रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस कहते हैं, उसमें किस शहर का नाम शामिल है, तो फैज़ अहमद फैज़ थे और जनरल अकबर खान, ये दो बंदे थे जिनका नाम रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस में आता है। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए, 1984 में आपकी डेथ हुई, उर्दू और पंजाबी दोनों जबान में शायरी की, आपकी मशहूर बुक्स के नाम पूछे जाते हैं तो नुस्खा वफा, दश्ते सबा, नक्शे फरियादी, जिंदान नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, शाम शहर यारा, सरवादिये सीना, ये मशहूर किताबें हैं
आपके मशहूर शेरों में आता है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, अलावा गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि अब गुलशन का कारोबार चले, हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखेंगे। आपकी मशहूर नजर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, फिर न गवाओ ना वो के नीम कश दिल रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया, तेरे चार अगर को नवीद हो सफ़ेद, मेरे चार अगर को नवीद हो सफ़े दुश्मनों को खबर करो, जो वो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और आपकी बड़ी मशहूर नजम है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना, उसका बड़ा मशहूर शेर है कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवाल, तेरी आंखों के सवा दुनिया में रखा क्या है, तुझे मिल जाए तो तकरीर न क्यों हो जाए, क्यों न था फकत हमने चाहा था यूँ हो जाए। तो ये मशहूर फैज़ अहमद फैज़ की गजलें थी। मेरा कि जाबिर बिन हयान की डेथ कब होती है, तो जाबिर बिन हयान की डेथ होती है 815 को, 806 को पैदा होते हैं ईरान में, जबकि इराक 815 को डेथ हो जाती है, तो याद रखना है, सॉरी आपकी डेथ होती है 815 को। पैदाइश के बारे में कोई नहीं है, बहर आपने याद रखना 815 को आपकी डेथ होती है। आपने नाइट्रिक एसिड को बनाया था, इन्वेंट किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपकी आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आपकी मशहूर किताब किताबुल कीमिया आपने याद रखनी है, इसमें आला मैंने बता दिया था कि इसे आप कोई काम करते हैं तो वो इसमें आला होता है, तो मेज़ कुर्सी अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इसे जामित कहते हैं। रेत और बजरी ये इसको ऑप्शन ठीक ऑप्शन नहीं है, सुई और कैची ये सब आला है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज अकर्ड इन विच हिजरी, तो फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ था, जबकि 2 हिजरी में आपने याद रखना है किबला चेंज हुआ था, एक तो याद रखना है किबला चेंज हुआ था, इसके अलावा गजबे बदल हुई थी, ठीक है 2 हिजरी में, इसके अलावा 6 हिजरी में आपने याद रखना मशहूर सा वाक्य है कि सुलह हुदैबिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास 46 क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि लाख का अंदेश से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की निशानदेही करनी है, तो डी ऑप्शन दूर अंदेश, खैर अंदेश, मसलहत अंदेश, ये आप ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है कि सादिया खूबसूरत लड़की है, इस जुमले में खूबसूरत कवायद की रूह से क्या है, तो चूँकि सिफ्त है, ठीक है इस जुमले में खूबसूरत, तो खूबसूरत क्या है इसे सिफ्त है, तो नन ऑफ दीज का इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि मनी ऑर्डर में वसूल करने वाले का नाम किस कालम में लिखा जाता है, तो वसूल करने वाले के नाम में लिखा जाता है। फिर 49 क्वेश्चन है कि रदीफ वार अल्फाज की तरतीब है, तो इसमें तरतीब आपने याद रखनी है, पहले बे आता है तो अलिफ आता है, फिर बे आता है, रे और काफ, इसका ये ऑप्शन ठीक है, मेरी चेक कर लीजिएगा। इसे इंसाफ किया जाता है, 50 क्वेश्चन से इंसाफ किया जाता है, में बनने वाले फेल हाल मारूफ होगा, तो इसमें असलम से इंसाफ करता है, ये इसका बन सकता है, यानी कोई तो साफ करने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।